कितने सालों तक टिकी इन भोजपुरी अभिनेताओं की शादी? शादी और तलाक किसी भी रिश्ते के दो पहलू हैं। कुछ लोगों की शादियां अंतिम सांस तक चलती हैं, तो कुछ का साल भर में ही रिश्ता टूट जाता है। तलाक को लेकर भोजपुरी फिल्म स्टार्स भी काफी चर्चा में रहे हैं। भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार जितने भी अपने करियर में सक्सेसफुल रहे हैं, उतने ही अपने निजी और शादीशुदा जिंदगी में अनसक्सेसफुल। भोजपुरी के ऐसे कई दिग्गज कलाकार हैं जिनकी शादियां कुछ सालों तक ही टिक पाई हैं। आइए डालें एक नजर उन भोजपुरी सितारों के नाम जिनकी शादीशुदा जिंदगी काफी डिस्टर्ब रही है। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी काफी उथल पुथल भरी रही। दरअसल शादी के एक साल बाद ही उनकी पत्नी नीलम सिंह ने मुंबई में सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद पवन सिंह पर उनकी हत्या का आरोप भी लगाया गया। हालांकि ये आरोप कभी साबित नहीं हो पाया। पवन सिंह ने साल 2018 में ज्योति सिंह से दूसरी शादी रचाई, लेकिन अब पवन सिंह की दूसरी शादी से भी तलाक होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, पवन सिंह और ज्योति सिंह साल 2018 में शादी के बंधन में बंधे थे और इसी साल यानी 2022 में उनका डिवोर्स होने वाला है। इनकी शादी केवल 4 साल टिकी। भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह ने एक्टर यश मिश्रा से लव मैरिज की थी, हालांकि शादी के 2 साल बाद ही इन दोनों का तलाक हो गया। दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया था। यश मिश्रा और अंजना सिंह की एक पुत्री भी है। अंजना सिंह उस पुत्री की देखभाल स्वयं करती हैं। यश मिश्रा अब दूसरी शादी के बंधन में भी बंध चुके हैं। यश मिश्रा की शादी भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस निधि झा से इसी साल हो चुकी है। यश और निधि अपनी नई मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं और इसकी अपडेट हमें सोशल मीडिया पर मिलती रहती है। भोजपुरी फिल्म एक्टर और सिंगर मनोज तिवारी ने साल 2020 में सुरभि तिवारी से दूसरी शादी रचाई। दूसरी पत्नी से उनको एक बेटी हुई है। इससे पहले साल 2012 में मनोज तिवारी का उनकी पहली पत्नी से तलाक हो गया था। मनोज तिवारी और उनकी पहली पत्नी रानी तिवारी का तलाक शादी के सिर्फ 5 साल में ही हो गया था। मनोज तिवारी और रानी तिवारी की डिवोर्स की वजह श्वेता तिवारी को माना जाता है। मोहन राठौड़ लोकप्रिय भोजपुरी गायक और अभिनेता हैं। मोहन राठौड़ ने जीवन के वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक संघर्ष किया है। वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। अपने शुरुआती जीवन में उन्हें एक सही मंच पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, जहां वे अपनी प्रतिभा दिखा सकें। मोहन राठौड़ का कार्य जितना संघर्षपूर्ण रहा, उतनी ही संघर्ष से भरी उनकी मैरिड लाइफ भी रही। मोहन राठौड़ की पत्नी ने 2015 में उन पर और उनकी फैमिली पर हरासमेंट का केस दर्ज कराया था। 2018 में उनका तलाक हो गया। इनकी शादी 10 साल तक टिकी थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये लेटेस्ट न्यूज जरूर पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।